सहारा दोस्तों, कैसे हो आप लोग। टॉप 5 बेस्ट बजट 5G स्मार्टफोन अंडर 9000। तो दोस्तों, आपको अगर चाहिए बजट में बेस्ट एक 5G स्मार्टफोन तो वीडियो में बने रहना। इस वीडियो में आज हम लोग 5 ऐसे डिवाइस के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे जो मिलने वाले सिर्फ 9000 के अंदर। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसे इन तक जरूर देखना। और आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे वीडियो पर चैनल में और भी देखने के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट के इस लिस्ट की जो सबसे पहली डिवाइस है उसके बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं। तो दोस्तों, ये डिवाइस होने वाले लावा की तरफ से लावा ब्लेज 2 5G। तो एक एक करके इसकी सभी स्पेसिफिकेशन को जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको मिलने वाला है प्रीमियम ग्लास बैक डिजाइन। तो लुक वाइज ये डिवाइस काफी प्रीमियम सा होने वाला है। और जो कैमरा मॉड्यूल है ना, वो भी काफी यूनिक आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे अदर फीचर की बात करें तो यहाँ पे आपको मिलने वाला 6.5 इंच का HD+ IPS डिस्प्ले, जिसकी रिफ्रेश रेट 90Hz की होने वाला है, जो काफी अच्छी बात है। और इसके साथ साथ बात करें कैमरा सेटअप की, तो रेयर पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पे मेन कैमरा आपको 50 MP का मिलेगा और सेकेंड कैमरा 2 MP का मैक्रो मिलेगा और उसके साथ साथ 0.3 MP का एक लेंस भी मिल जाएगा। और दोस्तों, आप मेन कैमरा से 2K रेजोल्यूशन तक वीडियो शूट कर सकते हो, जो काफी अच्छी बात है। और दोस्तों, बात करें सेल्फी कैमरा की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला 8 MP का सेल्फी कैमरा। दोस्तों, आप बात कर लेते हैं इसकी परफॉर्मेंस के बारे में, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला 2.2 GHz की MediaTek Dimensity 700 प्रोसेसर, जो 7 nm पे बेस है। और दोस्तों, एक 5G प्रोसेसर है, तो यहाँ पे आपको 8 5G बैंड देखने को मिलेगा। तो इस प्राइस पॉइंट पे 8 5G बैंड काफी अच्छी बात है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको 4GB+3GB रैम मिलेगा, जब 3GB वर्चुअल रैम होगा। उसके साथ साथ UFS 2.2 टाइप के 128GB का रोम मिल जाएगा। और उसके साथ साथ यहाँ पे आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट की सपोर्ट भी मिल जाएगा। आदर्श कुछ यूनिक फीचर के बारे में बात करें तो इस मोबाइल से आप यूट्यूब को बैकग्राउंड पे चला सकते हो, जो काफी अच्छी बात है। और उसके साथ साथ जो एनोनमस कॉल रिकॉर्डिंग है वो भी आप यूज कर सकते हो। ये दो फीचर मुझे पर्सनली काफी अच्छी लगी। तो दोस्तों, ये तो होगा इसकी सभी फीचर। तो आप बात कर लेते हैं इसके प्राइस के बारे में, तो इसकी जो प्राइस वो 9300 है, पर सेल पे 8500 के आसपास आ जाता है। ठीक है, तो 8500 पे 5G मोबाइल काफी अच्छी बात है। मार्केट में इस प्राइस पॉइंट पे अदर कोई भी डिवाइस नहीं। ये डिवाइस आता है पोको की तरफ से, पोको M4 5G, जो एक बजट 5G स्मार्टफोन है। तो सबसे पहले बात करें लुक एंड डिजाइन की, तो यहाँ पे आपको रियर पे डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पे जो कैमरा मॉडल के आसपास आपको ब्लैक कलर की एरिया देखने को मिलेगा, जैसे हर पोको की डिवाइस पे मिलता है। और दोस्तों, यहाँ पे आपको पोको की ब्रांडिंग भी देखने को मिलेगा। वही पे इस डिवाइस की वेट 200 ग्राम होने वाले, डिवाइस थोड़ा सा हैवी होगा। डिवाइस की फ्रेम आपको प्लास्टिक का मिलेगा, बैक भी प्लास्टिक का होने वाला है। और दोस्तों, इस डिवाइस पे आपको डुअल सिम स्लॉट देखने को मिलेगा। वही पे बात करें इस डिवाइस की डिस्प्ले की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला 6.58 इंच का फुल HD+ डिस्प्ले, जो काफी अच्छी बात है। इस प्राइस पॉइंट पे आपको फुल HD+ डिस्प्ले मिल जाता है। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, यहाँ पे आपको मिलने वाले 90Hz के रिफ्रेश रेट और दोस्तों 240Hz की टच सैम्पलिंग रेट भी मिलेगा, जो प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफी अच्छी है। और दोस्तों, इस डिस्प्ले पे आपको मिलेगा कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन, जो भी काफी अच्छी बात है। डिस्प्ले पे आपको मिलने वाला 1080x2400 पिक्सल रेजोल्यूशन 20:9 रेशियो के साथ। ओवरऑल डिस्प्ले की क्वालिटी काफी अच्छी है। तो दोस्तों, ये तो होगा इसकी डिस्प्ले की क्वालिटी। अब बात कर लेते हैं इसके कैमरा के बारे में। इसकी कैमरा भी काफी अच्छा है। रियर पे आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पे मेन कैमरा 50 MP का होने वाला है, जिससे आप 1080x30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। उसके साथ साथ 2 MP का एक डेप्थ कैमरा की सपोर्ट भी दिया गया है। वहीं पे बात करें फ्रंट कैमरा की, तो यहाँ पे आपको 8 MP का एक सेल्फी कैमरा मिलने वाला है, जिससे भी आप 1080p 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। ओवरऑल वीडियो और फोटो की क्वालिटी डिसेंट है प्राइस पॉइंट के हिसाब से। वहीं पे बात करें इस डिवाइस की परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला MediaTek Dimensity 700 5G चिपसेट, जो 7 nm पे बेस है और ये एक 5G चिपसेट है। तो दोस्तों, डिवाइस 5G होने वाला है। और दोस्तों, इस डिवाइस पे आपको 7 5G बैंड भी देखने को मिलेगा, जो प्राइस पॉइंट के हिसाब से मुझे लगता है काफी अच्छी बात है। बात किया जाए रैम रोम की, तो यहाँ पे आपको दो ब्रांड मिलेगा, 4GB 64GB 6GB 128GB। बात किया जाए इस डिवाइस की बैटरी की, तो यहाँ पे आपको 5000mAh का लार्ज बैटरी मिलेगा विद 18W फास्ट चार्जिंग। और एक इस डिवाइस की काफी अच्छी बात है, ये डिवाइस आने वाले IP52 की रेटिंग के साथ, जिसकी मदद से ये डिवाइस वाटर और डस्ट प्रूफ भी होने वाला है।
तो दोस्तों इंथो का इसके सभी फीचर तो आप बात कर रहे थे इसके प्राइस के बारे में, तो इसकी जो 4GB प्लस 64GB वाला वेरियंट है उसकी प्राइस करंट टाइम पे 8,999 मतलब 9,000 है, पर आप आपको कोई भी सेल आता है तो 500 या फिर 1,000 रुपए का डिस्काउंट मिल जाते हैं। डिस्काउंट के बाद इसकी जो प्राइस वो 8,000 या फिर 8,500 तक आ जाता है, तो इस प्राइस पॉइंट में काफी अच्छा सा एक डिवाइस है, तो आप अगर लेना चाहते हो तो जरूर ले सकते हो। डिवाइस थोड़ा सा पुराना है पर प्राइस पॉइंट के हिसाब से अभी भी काफी अच्छे अच्छे फीचर यहाँ पे आपको प्रोवाइड करते हैं, तो आप जरूर ले सकते हो। 14 दोस्तों आप अगर चाहते हो 12,000 के अंदर ऑलराउंडर एक मोबाइल लेना वो भी 5G, तो इस डिवाइस के साथ जरूर जा सकते हो, यहाँ पे आपको काफी अच्छे अच्छे फीचर मिल जाते हैं। तो दोस्तों क्या कुछ मिलेगा और दोस्तों प्राइस कितना है सब कुछ डिटेल्स में जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो में बने रहना और अगर मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे वीडियो और भी देखने के लिए। तो एक एक करके इसकी सभी फीचर को जान लेते, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको मिलने वाला है 6.6 इंचेस का फुल HD प्लस LCD डिस्प्ले, जहाँ पे आपको 90Hz के रिफ्रेश रेट मिल जाएगा। वहीं पे बात करें कैमरा की तो आपको रियर पे डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पे मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, उसके साथ साथ यहाँ पे आपको 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो कैमरा भी मिल जाएगा, जहाँ पे आप मेन कैमरा से 1080p 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। वहीं पे बात करें सेल्फी कैमरा की तो यहाँ पे आपको मिलने वाला 13 मेगापिक्सल का एक फ्रंट कैमरा, जहाँ से आप 1080p 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। और दोस्तों बात करें इस डिवाइस की परफॉर्मेंस की तो यहाँ पे आपको मिलने वाला Exynos 1330 5G चिपसेट, जो 5nm पे बेस है, एक काफी पावरफुल सा एक चिपसेट है। और दोस्तों रैम रोम पे यहाँ पे आपको बेस वेरियंट पे 4GB रैम 128GB रोम मिलेगा, अदर और एक वेरियंट है जहाँ पे आपको 6GB रैम 128GB रोम मिल जाएगा। और दोस्तों सिर्फ यही नहीं, यहाँ पे आपको मिलने वाला है 6000mAh का लार्ज बैटरी, जहाँ पे आपको 25W की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगा, पर आपको इस मोबाइल के साथ एडाप्टर नहीं मिलेगा, सिर्फ डाटा केबल ही मिलेगा, जो मुझे थोड़ा सा बेकार लगता है सैमसंग की मोबाइल के साथ। और दोस्तों इस डिवाइस में सिक्योरिटी पे साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट की जो सपोर्ट है वो भी दिया गया है। वहीं पे बात करें OS की तो यहाँ पे आपको Android 13 रन मिलेगा, उसके साथ साथ UI कोर 5.0 वर्जन होगा इसकी OS का। तो दोस्तों ये डिवाइस है पोको की तरफ से न्यूली लॉन्च पोको M6, जो एक 5G डिवाइस है। तो एक एक करके सभी डिटेल्स को जान लेते हैं। बात करें डिस्प्ले की तो यहाँ पे आपको मिलने वाला 6.74 इंचेस का HD प्लस डिस्प्ले, जहाँ पे आपको 600 नीट पीक ब्राइटनेस मिल जाएगा, 90Hz का रिफ्रेश रेट भी मिल जाएगा, तो डिस्प्ले प्राइस के हिसाब से काफी अच्छा है। बात करें परफॉर्मेंस की तो यहाँ पे आपको मिलने वाला MediaTek Dimensity 6100 प्लस चिपसेट, जो 6nm पे बेस है और ये 5G चिपसेट है। वहीं पे बात करें रैम रोम की तो यहाँ पे 4GB रैम 128GB रोम मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके कैमरा के बारे में, तो यहाँ पे आपको रियर पे डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पे मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का होगा, उसके साथ साथ एक 0.08MP का एक कैमरा भी मिल जाएगा, तो मेन कैमरा से आप 1080p 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। वहीं पे बात करें सेल्फी कैमरा की तो यहाँ पे आपको 5 मेगापिक्सल का एक फ्रंट कैमरा मिल जाएगा, जिससे भी आप 1080p 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। बात करें सिक्योरिटी की तो यहाँ पे आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट मिल जाएगा, और दोस्तों यहाँ पे आपको 5000mAh का लार्ज बैटरी मिलेगा विथ 18W चार्जिंग, तो चार्जिंग भी ठीक ठाक सा है। और दोस्तों इस मोबाइल की पर्सनल मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी इसकी कलर, यहाँ पे आपको दो कलर वेरिएंट मिलेगा, एक तो होगा गैलेक्टिक ब्लैक और ओरियन ब्लू, मुझे जो ओरियन ब्लू वो काफी अच्छा लगा लुक वाइज। और दोस्तों इस डिवाइस पे एंड्रॉइड 13 रन होगा, MIUI 14 चलेगा। तो दोस्तों ये तो इसके सभी फीचर, अब बात करते हैं इसकी प्राइस के बारे में। बात किया जाए इसकी 4GB 128GB की प्राइस के बारे में, तो इसके करंट टाइम पे प्राइस 9200 है, पर यहाँ पे आपको मैक्सिमम टाइम 1000 या फिर उससे भी ज्यादा डिस्काउंट मिल जाता है, तो डिस्काउंट के बाद इसकी प्राइस 8000 के आसपास आ जाता है, तो इस प्राइस पॉइंट पे काफी शानदार सा डिवाइस है। वहीं पे बात किया जाए 8GB 256GB की प्राइस के बारे में, तो उसके करंट टाइम पे प्राइस 10500 है, वहाँ पे भी आपको सेम डिस्काउंट मिल जाता है, डिस्काउंट के बाद उसकी भी प्राइस 9500 के आसपास आ जाता है, तो इस प्राइस पॉइंट पे ये भी काफी अच्छा सा एक ऑप्शन है। आपको अगर चाहिए 8GB 256GB वाला डिवाइस तो भी आप इस वेरिएंट को बाय कर सकते। डिवाइस है Redmi की तरफ से न्यूली लॉन्च डिवाइस Redmi 13 से 5G, जहाँ पे आपको 10,000 के अंदर काफी अच्छे अच्छे फीचर मिल जाता है। तो एक एक करके इसके सभी फीचर को जान लेते हैं क्या कुछ मिलने वाला है। दोस्तों सबसे पहले बात करें डिस्प्ले की तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है 6.74 इंचेस का फुल HD IPS LCD डिस्प्ले, जहाँ पे आपको मिलने वाला 90Hz के रिफ्रेश रेट विद 450 नीट पीक ब्राइटनेस। दोस्तों इस डिवाइस पे आपको काफी अच्छी कैमरा भी मिलने वाले, रियर पे आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा,
यहाँ पे मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का होने वाला है, जिससे आप 1080p 30fps पर वीडियो शूट कर सकते हो। उसके साथ साथ आपको 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो कैमरा भी मिल जाएगा। और दोस्तों वहीं पे बात करें सेल्फी कैमरा के, तो यहाँ पे आपको 8 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा मिलेगा, जिससे भी आप 1080p 30fps पर वीडियो शूट कर सकते हो। और दोस्तों बात करें परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला मीडियाटेक डायमेंसिटी 6100 प्लस प्रोसेसर, जो प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफी अच्छा सा एक प्रोसेसर है। और दोस्तों इस डिवाइस पे आपको 12 5G सिम सपोर्ट देखने को मिलेगा, मतलब इस डिवाइस पे आप दोनों ही 5G सिम यूज कर सकते हो। वहीं पर बात करें रैम रोम की, तो यहाँ पे आपको 3 वेरिएंट मिलेगा, 128GB प्लस 4GB, 128GB प्लस 6GB और 256GB प्लस 8GB। उसके साथ साथ जो वर्चुअल रैम के सपोर्ट है वो भी दिया गया है, जिसकी मदद से आप आपके रैम को मल्टीपल कर सकते हो। वहीं पर बात करें OS की, तो यहाँ पे आपको एंड्रॉइड 13 और MIUI 14 रन होता हुआ मिलेगा। दोस्तों बात करें बैटरी की, तो यहाँ पे आपको 5000mAh का बैटरी मिलेगा विद 18W फास्ट चार्जिंग। और वहीं पे दोस्तों इस डिवाइस पे आपको सिक्योरिटी पे साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट की सपोर्ट भी दिया गया है। तो दोस्तों ये तो होगा इसके सभी फीचर। अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के बारे में। तो दोस्तों इसके जो बेस वेरिएंट है 4GB प्लस 128GB, उसकी प्राइस 11,000 है। और यहाँ पे कोई भी सेल आता है तो 1000 रुपए का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा मैक्सिमम टाइम, तो इसकी प्राइस अंडर 10,000 तक आ जाता है। और नॉर्मल टाइप पे इसकी प्राइस 11,000 रहता है। तो इस प्राइस पॉइंट पे आप जरूर ले सकते हो, काफी अच्छा सा एक डिवाइस है।